दिल्ली किसान मोर्चे के आप माहौल की गल कर लें। इस वेले असी टिकरी बार्डर से मौजूद है, तुम दिख रहे होना, मैं अपने कैमरामैन कहूँगा तुम एक बार दिखाएंगे कि आसे पासे की है। बिल्कुल ऐ लग रहा है ट्रैक्टर खड़े हुए ने, टेंट है, लग रहा भी किसान इतने ठहर रहे होने, बैठ रहे होने, या देखो एक पासे भोजन पानी भी तैयार हो रहा। सो संघर्ष की जी गाथा लिखी जा रही है, आप निज़ाम की गल कर रहे हैं, संघर्ष के गाथा की। तो इतने ही आप हम थोड़ा लैके चलते हैं, थोड़ा कैमरामैन कहूँगा तुम दिखाएगा भी इतने ये रस्ता जिमें जा रहा, एक संकरा जहा रस्ता लग रहा बिल्कुल। संघर्षा की जी दास्तान है एवं नहीं लिखी जाती। तो इतने आके तुम देखो ट्रैक्टर, एक ट्रक खड़िया हो, आसे पास ट्रैक्टर खड़े ने, तरपाल भी लगिया हुई ने। तो इतने मीटिंग जारी हो रही है किसानी संघर्ष की, जी 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड होनी है, उसकी भी तैयारियां की जा रही ने। बीजे ने कहूँगा तुम थोड़ा जाणगे, ये मीटिंग भी चलती पी, इस तरह ये मीटिंग भी हो रही ने टेंट के अंदर। तो बिल्कुल तैयारी जी हैगी है की जा रही है, तैयारी जी हैगी है बिल्कुल की जा रही है। सो दस्या गया कि किरती किसान यूनियन वालों जो 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड होनी है, ट्रैक्टर जोड़ा मार्च कढ़ा जाना, वो भी तैयारियां हो रही ने। इस तरह के माहौलों के भी आप किसानी संघर्ष की गल करिए, किस तरह लामबद्ध होया जा रहा, उसकी एक बड़ी जिंदी जागती मिसाल हैगी। आप इतने जोड़े मौजूद है बैठक कर रहे हैं, तैयारियां कर आप गल भी करा। तो आओ असी तुहानू इस मीटिंग दे विच की कुछ तय होया, किदां दी तैयारियां होणगे, इहदे बारे आपां गल करदे हां। सो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की जिहड़ी परेड है, ऐतकी वह किसानी गणतंत्र परेड होएगी। जिहड़े भी आपां टेंट चल जाइए उत्थे किते ना किते नौजवान है, भावें बजुर्ग है, किसान बैठे ने, मीटिंगां कर रहे ने, किदां दी तैयारी होणी, किदां दी नहीं, उहदी चर्चा हो रही है। इस वेले असीं मौजूद हाँ किरती किसान यूनियन दा इह तंबू हैगा, सड़क ते तंबू लग्या होया, हुणे मीटिंग हो के हटी है, कट भी काफ़ी चंगा होया सी। सो गल करके देखते हैं किदां दी तैयारी रहेगी, 3 दिन बाद जिहड़ा अपना यह चलना है किसानी परेड जिहड़ी शुरू होनी है, किदां दी तैयारियां दी मीटिंग अज की है, की तैयारियां? अज असी सारे जिहड़े इत्थे जिले टिकरी ते इकट्ठे होए ने किरती किसान यूनियन वालों, उन्हां दी मीटिंग बुलाई हैगी आ। वलंटियरां दी जिहड़ी भर्ती आ उह कंप्लीट कीती आ, कल नूं असी परेड करनी आ वलंटियरां दी, तां कि 26 दी परेड दे लई असी आपदी रिहर्सल आ जिहड़ी उह कर सकीए। जिहड़े गवर्नमेंट आ इस मसले ते अड़ी हुई है कि कानूनां दी वापसी आ जिहड़ी उह किसे हालत दे विच नहीं होगी, पर लोकां ने तहिया कीता कि वापसी तो बिना असी पिछे नहीं मुड़ांगे। इस करके 26 नूं चाहे रोकां गवर्नमेंट ला देवे, चाहे सानूं राह दे देवे, परेड हर हालत दे विच दिल्ली दे अंदर ही होगी। अच्छा, तुसीं जिवें दस्सिया कि तुसीं वलंटियर भर्ती कर रहे हो, वलंटियरां दी गिणती किन्नी क होएगी ते की काम लिया जाएगा वलंटियरां दा? जदों इत्थे परेड होगी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਭਗ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਰਹੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ 26 ਵਜੇ ਜੋ ਪਰੇਡ ਹੋਗੀ? ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, 10 ਤੋਂ 15% ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ 2-2, 3-3 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 1 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਥੇ।
अच्छा कल दी आपां गल करिए, कल हालांकि राजनीतिक लीडर इहदे च शामिल नहीं होए, कितना कितने इस धरने की इस अंदोलन की वड्डी कामयाबी है। कल कैप्टन एक कार्ड खेडिया, कहिंदे जी जिन्ने शहीद है सब नूं मैं एक सरकारी नौकरी दे दूंगा उहदे घर दे बंदे नूं, कितना देखदे हो कैप्टन दे इस बयान नूं? देखो जी, सारियां सियासी पार्टियां का किरदार तो इको जा, पर जो इस मौके कर रहा है जिहड़ी फासीवादी सरकार नाल साडी टक्कर आ, जिहड़े लोकां नाल आ, जिन्ना भी करदा असीं कहिंदे वी ठीक आ, रिजैक्ट नहीं करदे। वो मुख्यमंत्री साडे देश का, सूबे का मुख्यमंत्री आ, सूबे के लोग शहीद होए आ, वो तो ऐटोमैटिक ही फर्ज बनता कि आपके लोगों का ध्यान रखना। जे साडे साथी शहीद होए आ, उन्होंने कुर्बानी दिती आ पूरे सूबे के अधिकारां दी, गल किसानी नूं बचाउण दी, सरकार का मुढ़ला फर्ज ही सी, उस कोई नवी गल नहीं। ठीक है, चंगा जे मुख्यमंत्री ने सोचा उन्हां परिवारां बारे। की लगता नहीं कितने कैप्टन दे साल बाद चोणां वी है, उन्हें अपना आखिरी पत्ता तो नहीं खेडिया, सियासी कार्ड तो नहीं खेडिया? ये देखो जी, सारे आखिरी पत्ता खेडते होंगे, कई वारी पत्ता पुलटा भी पै जाता हूँ। ऐती पंजाब दे विच सारियां सियासी पार्टियां की हालत यह आ कि ना तो किसी के भोग ते जा सकते आ, ना किसी के ब्याह ते जा सकते आ। एक मित्र नूं मौजूदा पार्टी के किसी MLA ने फोन कराया कि यार भरावा तू ब्याह च नहीं सद्या, वह कहिंदा जी मैं इस करके नहीं सद्या भी रौले ना पै जी। उन्हां नूं भी पता उन्हां दी जिहड़ी जमीन आ धरती हेठली आ वह खिसक रही है, इस अंदोलन ने सब नूं चक्री वांग घुआ के रखता। जिहड़े लोकां दे घरां च काली कागरियां दे झंडे हुंदे सी, अज साडे ब्याहां दे विच वी झंडे साडी साण मार रहे आ, वह भी अंदरों अंदर ही लग रहा है कि मोर्चा ना जितया जाए, कि जे फासीवादी मोदी नूं हिट नूं दब लिया तो पंजाब वाले तो माड़े काम नाल ही असीं छूत कर लांगे। सारियां सियासी पार्टियां दा जोर लग्या अंदर खाते। की कहिंदे हो कि ऐतकी पंजाब दीआं विधानसभा चोणां होणियां, किसानी अंदोलन दी इबारत लिखेगा? देखो असीं चोणां बारे नहीं कुछ कहना, चोणां दा मसला चोणां नाल, साडी जिहड़ी मूवमेंट आ इक पंजाब नवां सिरजेगी। मेरे कहण दा भाव ही किसानी अंदोलन दी इबारत लिखेगा, किसानी अंदोलन तय करेगा पंजाब च कि सियासी जमात नूं या किसान नेता पैदा होणगे ऐतकी? असीं कोई नेता नहीं पैदा करना, असी नेता वह पैदा करना जिहड़ा भगत सिंह दी विचारधारा नूं लैके अगे जावे। असी वह आगू पेश करने आ जिहड़ा बंदे सिंह बहादुर दी विरासत नूं लैके आए। सियासी चोणां च की होना, किहड़ा आगू निकलना, किवें बलना, यह नहीं असी कहना कि जिवें लोग कहिंदे कि अंदोलन चो अन्ना हज़ार चो केजरीवाल निकलिया आ, साडा उहदे नाल लागा नहीं। साडी मूवमेंट नवां पंजाब ते नवीं सियासत सिरजूगी। अच्छा एक आपां होर गल करिए, क्योंकि तुसीं आम लोग ही बैठे हो, जिहड़े प्रचार जिहड़ा दुष्प्रचार भी हो रहा अंदोलन का, उही खालिस्तान का मुद्दा भी बार बार उठता है, उहदे नाल अंदोलन मजबूत हो रहा कि ढाल लग रही है? देखो किसी चीज़ बारे तुसीं गलत प्रोपोगंडा करोगे उहदा तां हर्जा होगा। जिन्ना गोदी मीडिया ने, मोदी मीडिया ने तीर चला के देखे, सब कुछ हंब गए, कुछ नहीं रहा। हुण उन्हां दे इक इक कहके आगूआं नूं किवें ना किवें डरा के धमका के ये तो पासे कीते आवे। लोक सियाणे आ, RSS का मोदी का पत्ता नहीं चल रहा, हिटलर की राह का जिहड़ी उहदा जिहड़े वारस आ उन्होंने हिटलर वालियां सारा काम करके देख लिया, भारत के किरतियां ने वह पत्ता नहीं चलना। जिहड़ा मोदी मीडिया कदे खालतानी, कदे नक्सलैट, कदे माओवादी कहिंदा सी, अज उन्हां दी गल दी हड्डी बन गया कि साडे अंदोलन नूं ठीक कहना पिया। ये लोगों के तात आ कि जिहड़ा इहो जिहे बकाऊ मीडिया नूं भी सीधा करके रख लिया। 26 जनवरी जिहड़ी गणतंत्र परेड होएगी, की समझदे हो की मैसेज आएगा इहदा दुनिया च, इह खासकर अपने प्रधानमंत्री तक? इहदा बहुत वड्डा मैसेज आएगा। हर वार आपां देख रहे हैं पिछले 100 सालों तो जदों दा अपना देश आजाद होया उदों दे अपने जवान ही परेड करते हैं, पर यह पहली बार हो रहा है कि ऐतकी किसान परेड करेगा। इहदा पूरी दुनिया दे विच बहुत एक वड्डा मैसेज आएगा जिहदे नाल केंद्र दी सरकार ते दबाव वधेगा कि जिहड़े तुसीं कानून किसानां दे कह रहे हैं कि तुहाडे फायदे लई पास कीते आ, अज जदों किसान उन्हां दे खिलाफ आके खड़े हो जाएंगे, ट्रैक्टरां दी परेड चलेगी, तो जिहड़ा UNO दा जिहड़ा बाहरले देशां दे दबाव आ वह मोदी दे दबाव वधेगा, तो इन्हां नूं कानून वापस लैने ही पैणगे हर हाल च। सो लगता कि 26 जनवरी तो अगे वधेगा प्रोग्राम संघर्ष का? देखो जी, असी उन्ना चिर बैठे हाँ जिन्ना चिर ये कानून वापस नहीं होंगे। जे 26 जनवरी तो पहला हो गए तो पहला चले जावे, जे ना हो जो है असं कह के आए कि 6 महीने लिए आए, 6 महीने बैठा डट के बैठा। ड्रामेबाजियाँ हो रही सरकार वालों, मीटिंगा दी 1 दर्जन मीटिंग हो गई, नतीजा 0 है? हाँ जी, ये तो है ही है, मीटिंग हुई ने, नतीजा कोई नहीं निकलिया है। वह कारण है कि गवर्नमेंट पिछे हटना ही नहीं चाहती हैगी। एक लोग दिखावा किया कि असी किसानों नाल गल कर रहे है, पर गलबात दे विचों उन्होंने कुछ भी नहीं लोगों के पल्ले पाया, किसानों के पल्ले पाए। इन्ना चिर दे बैठे है ने, इन्ने किसान ने जिहड़े शहीद हो गए, उन्होंने शहीदा जिहड़ा हैगा उन्होंने कीमत है जिहड़ी सरकार नूं देनी पैनी हैगी है। सो ये जिहड़े शब्द तुसीं सुने ने, जिहड़े तुसीं गल्लां सुनियां ने, एक आम किसान की आवाज़ है, सड़क पर बैठे हुए किसान की आवाज़ है कि 26 जनवरी आ रही है,
अपनी किसान गणतंत्र परेड शायद भारत के इतिहास 73 साल की आज़ादी पहली बार होएगा गणतंत्र दिवस मौके किसानी गणतंत्र की परेड होएगी। तो हले भी इको ही जड़ा कह लो भी लैन उन्होंने मन च हैगी है काले कानून रद्द करो, इस तो उपर उन्होंने कुछ नहीं चाहिए। भावें 26 जनवरी दो महीने हो जाएंगे, फिर भावें 26 फरवरी आ जाए 26 मार्च आ जाए, वो यही नारा लैके सड़क पर इस तरह ही बैठे रहेंगे। विजय रोहित के नाल बलजीत मरवाहा, वर्ल्ड पंजाबी, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली।